हाय एवरीवन, वेलकम टू माय रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं काले चने और सोयाबीन की चाट। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चाट बनती है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम सोयाबीन और काले चने को ओवरनाइट सोक कर लेंगे, भिगो के रख लेंगे, और उसके बाद प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे काला चना। मैंने वही पानी यूज़ किया है जो मैंने भिगोने के लिए यूज़ किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम चनों को तब तक प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाएं। ध्यान रखें, आप इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, मशी ना करें। अब हम दूसरी ओर सोयाबीन को कुक कर लेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे नमक। अब हम सोयाबीन को तब तक प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाएं। दोनों चीज़ों को ही आप ओवर कुक ना करें। तो सबसे पहले हम सोयाबीन को चेक कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसका कुछ छिलका ऑलरेडी अलग हो चुका है, तो आप बाकी के छिलके को भी अलग कर लें और इसके बाद इन्हें स्टेन कर लें। अब हम काले चने को भी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं काले चने भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में। और ये रहे हमारे बाकी के इन्ग्रीडियंट्स जो हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम ऐड करेंगे ज़ीरा, और अब ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और अब डालेंगे मिर्ची पाउडर, और अब ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद ऐड करेंगे काला चना, और अब डालेंगे सोयाबीन। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बोल में। हल्का सा आप इन्हें ठंडा कर लें। और अब हम इनमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर के मैंने ऑलरेडी सीड निकाल लिए थे। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, और अब डालेंगे हरा धनिया। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब डालेंगे चाट मसाला, और अब ऐड करेंगे फ्रेश नींबू का रस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आप भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी चाट है। दोनों चीज़ों में ही बहुत अच्छे से प्रोटीन पाया जाता है। इन्जॉय कीजिए चाट को सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।